नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज अगर हम बिहार जीत जाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जीत जाएंगे। दलों के बीच छोटे छोटे मतभेद हैं, उन्हें संविधान के लिए बुलाना होगा। मुंबई के कोविड स्कैम में ईडी की अब तक की जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी को कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिसमें कई चौंकाने वाले जानकारी प्राप्त हुई है। जांच में पता चला है कि शवों को सील करने के लिए जो बैग खरीदे गए थे उनकी खरीद में बीएमसी ने बड़ा घोटाला किया है। सीबीआई ने IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से कथित तौर पर 100.03 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कराया है। पुणे के दर्शन हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी राहुल ने दर्शना का मर्डर पूरे प्लान के साथ किया। वह दर्शना को राजगढ़ किले में धोखे से लेकर गया। उसने हत्या के लिए ऐसी जगह को चुना जहां पर आम लोग सामान्यतः नहीं जाते। उसने दर्शना से कहा कि तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी तुम्हें होने नहीं दूंगा। इसके बाद उसने दर्शना की गला दबाकर हत्या कर दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों घायलों को पिथौरागढ़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिथौरागढ़ पुलिस और SDRF की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आदि पुरुष को लेकर बीआर चोपड़ा की फिल्म महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान का भी बयान सामने आया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गजेंद्र चौहान ने आदि पुरुष के मेकर्स पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। गजेंद्र चौहान के मुताबिक रामायण और महाभारत पौराणिक कथाएं नहीं है, ये वो इतिहास है जो मुगल काल में नष्ट हो गए, लेकिन ये महाकाव्य इतने मजबूत है कि इन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से होने वाले नुकसान का जिक्र किया, साथ ही आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कहा कि अमेरिका के 9/11 के हमले के बाद मुंबई में हुए 26/11 हमले के एक दशक से अधिक समय हो जाने के बाद भी दुनिया के लिए आतंकवाद और कट्टरपंथ खतरा बना हुआ है। 110 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज को देखने गए लापता 5 पर्यटकों की मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि पनडुब्बी समेत 5 लोग रविवार से गायब थे। इनको तलाशने के लिए उतरी अटलांटिक महासागर में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन अब इस पनडुब्बी में सवार 5 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का शानदार आयोजन हुआ। पीएम मोदी के साथ डिनर में बहुत सारे मेहमान शरीक हुए। इस लिस्ट में एप्पल के CEO टिम कुक, गूगल CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला और इंदिरा नूयी शामिल हैं। सरकारी डेलीगेशन में शामिल होने वाले गेस्ट लिस्ट में विदेश मंत्री S. जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मौजूद रहे। भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, आनंद महिंद्रा सहित कई हस्तियां इसमें शरीक हुई। विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस की छत्रछाया में ऐसे लोग एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल को देखा है। कांग्रेस मोदी जी को अकेले हराने में वे सक्षम नहीं है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।